ओके नमस्ते आप सस्काल मैं हूं सी संकल्प कांस्टे स्वागत है आपका और एक श्योर शोर्ट एम द लव दैट यू डिड फॉर एस सी पी एम बस यहां पे भी वैसे ही धूम मचाएंगे एग्जाम्पल्स लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आज का कॉन्सेप्ट काफी सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं बट रिमेंबर अगर ये फाइव टू एट मार्क्स के लिए आपके एमसीक्यू में आ गया देन दिस कैन बी अ गेम चेंजर सो कॉन्सेप्ट है एसेट बीटा प्रोजेक्ट बीटा अनलिवर्ड बीटा जो आपको नाम देना है दे सकते हो कोई लोग इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू पढ़ते हैं कोई लोग इसको बिजनेस वैल्यूएशन के थ्रू पढ़ते हैं जैसी आपकी इच्छा बट आई एम गोइंग टू सॉल्व टू क्वेश्चन बुक एंड ये मैजिक बुक आपको कहा मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक कमेंट्स पे दिया हुआ है बट आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब रखना है बेल आइकन क्लिक करना है सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड टू पेपर फोर सॉरी पेपर टू एंड

अब आ रहे अपन लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है आसेट बीटा बोल सकते हो प्रोजेक्ट बीटा अनलिवर्ड बीटा मैं आपको यहां पे दो एग्जांपल्स करवाने वाला हूं इन दो एग्जांपल्स के अलावा आपको इस टेंशन वाली चीज के लिए सोचना ही नहीं है जी हाँ तो जो भी चीज आप ऑप्शन में जोड़ के जाओगे उसको मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूं डोंट वरी एंड उसको सिंप्लीफाइड वे में अपने को यहां पर करना है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई कोई चैप्टर में इश्यू होता है जैसे कुछ लोग है जिनको फॉरेक्स समझ में ही नहीं आता

डिस्क्रिप्शन पे या यहां पे नंबर दिया है टिकर पे यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड टेक ऑल डिटेल्स राइट चलो ऑन दैट नोट अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग प्रोजेक्ट बीटा के साथ सो so,

फाइंड कर लूंगा वॉट अबाउट बीटा ऑफ अनलिस्टेड कंपनी? वो भी तो मेरे को चाहिए होता है। कई बार बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज हो हो, रहा तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है। एंड दैट इज वी हैव द द ऑफ ऑफ, प्रोजेक्ट बीटा। बीटा क्या? टू कैलकुलेट क्या चलो आ जाओ देखते हैं सबसे पहला है मेरा ए रहा तो सबसे चीज मेरे को जो करनी बस आपको इतना ही ही फॉलो करना है इसके साथ एग्जाम्पल भी दे दूंगा पब्लिक एग्जाम्पल भी हो गया ना तुम लोगों को फिर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है सबसे पहला काम ये जो ये पार्ट है दो है एक है सीनारियोरियो बी सीनारियो ए के ऊपर मैं पहले बात करता हूं सबसे पहला काम होता है आपको एसेट बीटा फाइंड करना है लिस्टेड कंपनी का वो लिस्टेड कंपनी का एसेट बीटा इज कॉल्ड एज प्रोक्सी बीटा फॉर अनलिस्टेड कंपनी फिर अनलिस्टेड कंपनी के लिए वही सेम एसेट बीटा यूज करना है और उससे आपको अनलिस्टेड कंपनी का बीटा मिल जाएगा सर कंफ्यूज हो गए वापस बता से बताता हूं सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है लिस्टेड कंपनी का असेट बीटा तो सर लिस्टेड कंपनी का अट बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे करेक्ट गुड क्वेश्चन आओ मैं बताता हूं सबसे पहले अपने को यहां पे लिखना है बीटा ऑफ इक्विटी इनटू जो भी वेट है इक्विटी का तो इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू वन माइनस टी फिर बाद में आ जाता है डेट डेट का जो वेट है इंटू डेट इंटू वन माइनस टी अपॉन ई प्लस डी इंटू वन माइनस टी तो यहां पे अगर आप लोग नोट करोगे तो मेरे पास ये जो दोनों चीजें हैं उसमें अपन लोग वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको अपने बीटा इक्विटी को तो देखो बीटा इक्विटी ऑफ लिस्टेड शेयर तो अवेलेबल होता है अपन लोगों को तो निकालना भी आता है के थ्रू बीटा ऑफ डेट क्वेश्चन देगा नहीं दिया तो अपने को अज्यूम करना है जीरो ये देखो इधर क्या लिखा है बीटा इज टू बी जीरो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन तो जैसे ये मेरा बीटा डेट जीरो होता है क्या नहीं से ये पूरा का पूरा वैल्यू ही जीरो हो गया अब ये वैल्यू जीरो हो गया बाकी मेरे पास ये वैल्यूज है मुझे मिल जाएगा एसेट बीटा ठीक है अभी क्लियर एवरीबॉडी यस सर अब जैसे ये मेरे को एसेट बीटा मिला सेम फॉर्मूला मैंने वापस लिख दिया ये मुझे असेट बीटा यहां पे सब्सटीट्यूट करना है जो असेट लिस्टेड कंपनी का है वही असट बीटा मेरे अनलिस्टेड कंपनी का भी होगा इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी ये मेरे लिए आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर ये मेरे लिए है बैलेंसिंग फिगर इंटू रेशियो क्या इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू वन माइनस टी प्लस जो मेरा यहां पे बीटा ऑफ डेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर ये गिवन हुआ तो ठीक अदरवाइज ये जीरो होता है अगर ये जीरो हुआ तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो बीटा इक्विटी आपको मिल जाएगा चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं एवरीबॉडी पे अटेंशन रिवीजन के अंदर रिवीजन वाह सो अपने को फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्या लिस्टेड कंपनी का एसेट बीटा सर कैसे फाइंड आउट करेंगे इट विल बी बीटा ऑफ इक्विटी इन टू वेट ऑफ इक्विटी तो वेट ऑफ इक्विटी मतलब ई ई ई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया होगा क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेने का बेटा बी ई क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया होगा डी वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया होगा तो ई अपॉन ई प्लस डी इनटू वन माइनस डी प्लस डेट का डेट uh, का बीटा जो जीरो होगा अगर नहीं है तो ठीक है भाई क्वेश्चन में दिया है तो डाल देंगे डी इंटू वन माइनस टी तो डी क्या वैल्यू ऑफ डेट इंटू वन माइनस टी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू वैल्यू ऑफ डेट इंटू वन माइनस कर ही सकते तो ये आ गया ये आ गया जीरो अगर ले लिया अगर ये कुछ नहीं दिया है तो एंड फाइनली हेलो फाइनली अपने को मिल जाएगा बीटा ऑफ इक्विटी बीटा ऑफ सॉरी एसेट बीटा ऑफ लिस्टेड कंपनी बीटा इक्विटी तो दिया होगा इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो द मोमेंट वी सब्सिट्यूट इट आधा काम हो गया क्योंकि अपने पास ये है ये है वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट अनलिस्टेड कंपनी का मिल जाएगा एसेट बीटा ऊपर से मिल गया है बीटा इक्विटी विल बिकम अ बैलेंसिंग फटाफट और क्लियर हो जाएगा मैं, तो मैं लिस्टेड कंपनी का निकाल लूंगा कैसे मैं लिस्टेड कंपनी का लूंगा, लूंगा? देखो इसका इधर वन पॉइंट नाइन दिया हुआ है इंटू इक्विटी इक्विटी इज फाइव थाउजेंड अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू वन माइनस टी वो भी मैंने यहां पे कर दिया प्लस बीटा ऑफ डेट कुछ नहीं दिया है तो जीरो अज्यूम टू बी जीरो इन एबसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया अ बीटा हेलो मुझे मिल गया अट बीटा इधर एज इट इज उसको इधर मैंने देखो सब्सटीट्यूट कर दिया इधर एज इट इज इधर एज इट इज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया बीटा इक्विटी इनटू सेम वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट वैल्यू ऑफ डेट इनटू वन माइनस टी करके मुझे मिल गया बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज वन पॉइंट सिक्स फोर फिर बाद में आ जाता है सिनारियो बी के ऊपर तो ये मेरा फर्स्ट सिनारियो हो गया बस दो ही सिनारियो के ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल अदरवाइज नहीं आएगा डोंट वरी सिनारियो बी जो है मेरा दैट से दो बिजनेसेस है और दोनों का आपको डेट बीटा एसेट ऐसे, एसेट बीटा दिया हुआ है तो आप क्या करोगे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो यहां पे एसेट बीटा दोनों बिजनेस का मेरे प्रिंटर डिवीजन का भी और मेरे एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन का भी असट बीटा दिया हुआ है अगर ऐसा है देन इन दैट केस आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसके वेट के साथ सो so दैट आपको ओवरऑल कंपनी का असेट बीटा मिल जाए तो वेट ऑफ बिजनेस वन, वन प्लस वेट ऑफ बिजनेस टू इंटू अट बीटा ऑफ बिजनेस टू अपने को मिल जाएगा फ्रॉम अब फॉर्मूला हेलो अपने को मिल जाएगा फ्रॉम अब फॉर्मुला असेट बीटा असेट बीटा ये अपने को मिल जाएगा फिर बाकी सब चीजें तो अपने पास है ई e है ई प्लस डी इंटू वन माइनस टी है ये कुछ नहीं दिया है तो जीरो अगर ये दिया होगा तो इसको सब्सक्र कर लेंगे बैलेंसिंग फिगर विल बी बीटा इक्विटी जो अपन लोग ढूंढ रहे हैं जो अपन लोग ढूंढ रहे हैं अभी क्लियर एवरीबॉडी सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स गॉट इट गाइस आउट एग्जांपल करते तो ये अपने को और क्लैरिटी आएगा सो so, ये देखो यहां पे सेट बीटा दिया हुआ है दो कंपनी का रेशियो वेट दिया हुआ है दोनों कंपनी का अपन लोग ने यहाँ फाइंड कर लिया इधर लिया फिर बाद में दोनों कंपनी का डेट डेट और इक्विटी इक्विटी दिया तो वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ है भी है इस क्वेश्चन में डेट का बीटा भी दिया है तो वो भी अपन लोग ने यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर दिया वी विल गेट हेलो वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज बीटा ऑफ इक्विटी डन ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट बीटा असेट बीटा जिससे आपको डर लगता था अब नहीं दो खाली तरीके यूज करने हैं बस आप प्रॉपरली मैजिक बुक को वापस गो थ्रू कर लो वापस से दो तीन बार मेरा लेक्चर सुन लो सेट हो जाएगा मैं तो बोलता हूं जो एग्जांपल दिया है वो साथ साथ में सॉल्व कर लो और क्या चाहिए सो डन एंड डस्टेड समझ में आ गया ना थोड़ा ट्रिकी लगता था अब अच्छा हुआ कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा ठीक है और कौन सा चाहिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेट मी नो एंड आई विल गेट इट फॉर यू चलो टाइम फॉर मी टू कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच